तो एपिसोड 103 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से मिस जेंग ने भाई इसको सुयन को पकड़ लिया था। पकड़ने तो उसको डराते कि हाँ भी मेरे साथ अगर तूने बदतमीजी से बात की तेरी मार लूंगी। तभी पीछे से इसको नौकर आता है, नौकर आते कहते मालकिन 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 जो चेंज हुआ ना आपसे यहाँ पे मिलने आया है। तो सामने से उसको अंदर बुलाया क्या, जो सुनकर सामने से ये भी यहाँ पे कहते क्या बात कर भाई कितना कमाल का कोइंसिडेंस है भाई, ये भी उसके यहाँ पे दुश्मन ही है भाई सुयन, तो बुला उसको भाई आके वो भी अपने नए दुश्मन से मिल लेगा। यहाँ पे भाई सुयन के और भी फट जाते कह रहे बाप रे भाई अब चेंज हुआ से यहाँ पे मिलने आया भाई, और चेंज हुआ तो भाई मैं वाकई में बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अब उसके इसके साथ यहाँ पे क्या लफड़ा चालू है भाई, अगर वाकई में ये दोनों साथ में आ जाएंगे ना तो मेरी यहाँ पे चटनी बन जाएगी, मुझे बहुत जल्दी ना खुद को आजाद करके यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ही मर जाऊंगा मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। सामने से चेंज हुआ ना आता है, आते कहते भाई सॉरी 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 अभी के नहीं लास्ट टाइम के लिए भाई, जब आखिरी बार मैं आपसे मिलना था याद है ना आपकी बॉडी गार्ड की कुटाई करके जबरदस्ती में घुस गया था तो उस समय गलती हो गई, इसलिए भाई इस बार मैं आराम से भाई आया हूँ और आपका भाई परमिशन लेके अंदर आया, देखा ना अच्छा किया ना। जो सुनकर सामने कहते यार ये आपने अच्छा किया भाई, मैं भी सॉरी बोलना चाहूंगी लास्ट टाइम के बदले, लेकिन मैं सॉरी ठैंक यू जाए किसी के गधे के पिछवाड़े में हमने को क्या करना भाई, आइए आइए बैठिए भाई हमने यहाँ पे चॉय बना के रखा है, लेकिन चॉय से पहले भाई आप किसी से मिलना चाहोगे, ये देखो इससे मिलो भाई चुप फल के दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन जुयन। सामने से जुयन की फट के हाथ में जाती है, देखता है चेंज जुयन की और कहता हाय दोस्त कैसे हो। सामने से कहता साले सुयन के बच्चे तू मुझे तेरी जिंदगी यहाँ पे चाहिए, और उसकी जान निकालने के लिए सुयन की ओर यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे सुयन की ओर मारने के लिए आगे बढ़ता है सामने ये आ जाती है भाई मिस जेंग बीच में और अपनी टांग उठाती है और टांग उठा के यहाँ पे उसको लात मारती है भाई गलत मत समझो, और जैसे उसको लात मारती है भाई चेंज जोन से पीछे सड़ाता लात खा के और कहता भी मिस जेंग ये क्या बदतमीजी है भाई वो मेरा दुश्मन है मुझे मारने दीजिए, बीच में आके आप रोक काई करिए ऊपर से टांगे उठा उठा के। जो सुनते सामने सीए के दीवी रुको जरा सबक और मार लेना बाद में आराम से मार लेना क्या ना भाई अभी मुझसे यहाँ पे इससे कुछ काम, इसलिए तुम अभी के लिए यहाँ पर नहीं मार सकते, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो मियाँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई चेंज जोन में 2 सेकंड सोचता है और सोच ओके ठीक है भाई ये लौंडा हरामी लौंडा भाई आज नहीं तो कल मेरे हाथों से यहाँ पे मर जाएगा, तो अभी आपको जो इसका यूज करना आराम से यूज कर लेना उसके बाद से भाई मेरे हवाले यहाँ पे कर देना, तो सामने से मैं इसको मतलब मार डालूंगा। अभी के लिए भाई जो मेन बिजनेस काम है भाई वो जो करनी है वो करेंगे। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है शुक्रिया शुक्रिया भाई आप जो बातों के हमें समझ बातों को समझते तो भाई यहाँ पे मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। सामने से यहाँ पे फिर कहती हैं लेकिन कौन सा बिजनेस में मैं क्या संभाल, तो बिजनेस यहाँ पे हो चुका था कोई बात नहीं चॉय यहाँ पे आ चुका भाई चॉय यहाँ पे पी लीजिए। तो सामने से जो सेकंड यहाँ पे था ना भाई क्या बोलते हैं इसे भाई सेकंड लीडर हाँ चॉय लेके आता है, तो एक चॉय कप खुद लेती है और दूसरा बोलती है हाँ भाई जाकर चेंज जोन का दे दो, तो चेंज जोन के पास पे लेके जाता है। सामने से पीता नहीं पीने से पहले कहता सुनिए यार मतलब मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा था कि यार ना भाई आपका जो आवाज़ है ना आपका आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन भाई चेहरा आपका चेहरा मैंने यहाँ पर नहीं देखा, आप हमेशा मुँह पर भाई ऐसा नकाब जो लगा के रखती हो, तो प्लीज़ भाई नकाब यहाँ पर हटा दो मुझे आपका चेहरा दिखा दो भाई दिखा दो भाई कि आप कितनी सुंदर यहाँ पर हो। जो सुन के कहती भाई क्या बदतमीजी यहाँ पर तुम कर रहे हो, जो सुनते कहते ना यार बदतमीजी इससे बोलते बदतमीजी तो मैं करता हूँ नकाब हटाओ अपने जो पूरे कपड़े ना भाई पूरे के पूरे कपड़े उतार दो और अंदर का जो भी माल है सर का सारा माल मुझे यहाँ पे दिखा दो। जो सुनते इसका दिमाग खराब हो जाता है, जो से चिल्लाते साले भाई चेंज वन अब अपने औकात के अभी बाहर जा रहा है तुझे आइडिया भी है तो किसके सामने किसके एरिया में आके तू किससे क्या क्या बातें कर रहा है तेरी जान निकालूंगा अगर तूने भाई ऐसी फालतू शब्द और भी अपने मुंह से निकाला तो। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे नोटिस करती है भाई जो मिस जेंग वाकई में यहाँ पे भाई सही से चल फिर भी नहीं पा रही थी, उसका अचानक से हालत खराब होने लगता है, वो समझ जाती है जो चॉइस ने अभी पिया ना वो चॉय के अंदर यहाँ पे जहर था, अजीब चक्कर में काफी ऐसा हॉट हॉट भी फील कर रही थी और काफी ऐसा वीक भी फील करने लगी थी। सामने से चेंज वन यहाँ पे हंसते हंसते कहता है कि भाई मजा आ गया ना आपका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो ही चुका रहेगा, सामने से कैसा लग रहा है भाई काफी ज्यादा हॉट हॉट यहाँ पे फील हो रहा है ना भाई कमजोरी समय फील हो रहा होगा कोई बात नहीं भाई ठीक हो जाओगे अगर भाई मेरा घोड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो। सामने से इसका दिमाग खराब किया भाई कैसे भाई वो पॉइजन कैसे आ गया चाय में और चाय कौन लाया था भाई सेकंड लीडर, यानी सेकंड लीडर भी भाई मिला हुआ था चेंज वन से और सेकंड लीडर कहता है कि हाँ मैडम आपको तो यहाँ पे घोड़े लग गए। चेंज वन से कहता माना पड़ेगा चेंज वन तेरा प्लान तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था तो भाई जब तो इसके मौके के यहाँ पे फायदा उठाएगा तो भाई मुझे भी इसके साथ कम से कम भाई 2-4 रात गुजारने का मौका देना। जो सुनते कहता डोंट वरी टेंशन मतलब भाई एक रात लगातार मैं उसके बाद से अगली रात तेरे के पास भेज दूंगा और जो हमारे अंडे में जो भी बंदे आते ना भाई सबका सब इसका स्वाद यहाँ पे चख लेंगे उसका तुझ बिल्कुल भी टेंशन मत ले। लेकिन उससे पहले भाई इसका चेहरा भाई मैंने नहीं देखा है मुझे चेहरा देखने दो, तो उसका जो नकाब है भाई उसका नकाब यहाँ पे हटा देते तो मिस जेंग का चेहरा दिखता है, देखते चेंज वन भी हिल जाता है और यहाँ तक जो सेकंड लीडर था ना उसने भी आज तक चेहरा नहीं देखा था। साला भाई कैसा सेकंड लीडर के भाई अपने पहले लीडर को उसने चेहरा नहीं देखा वो भी देखते ही हिल जाते कहते ओ माय गॉड भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ये मिस जेंग निकलेगी हमारी लीडर। सामने से चेंज वन बोलता हाँ भाई मैंने भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था, चू फिल्म में तो भाई दुश्मन पहले से थी अभी इसकी जेंग फैमिली भी भाई दुश्मन बन चुके कोई बात नहीं एक साथ भाई दोनों फैमिली को बर्बाद करेंगे। सामने से भी चेंज वन उसको अच्छे से डिटेल में समझाता हुए ये कहता है कि देखो भाई मिस जेंग सामने से ना भाई मैं यहाँ पे आया था इसको
मारने के लिए चैन सुआन को और कुछ भी नहीं। और ये बात भाई आपको यहाँ पे ये सब करने का यहाँ पे जो नाटक है ना भाई, इसके पीछे मेन भाई जो मिस्टर सेंग है ना भाई, मिस्टर सेंग यहाँ पे छुपा हुआ है जो सुनकर सामने से कहते मिस्टर सेंग भाई कौन, और सेंग होंग वाला पिले वाला वाला बुढ़ा या जो मेरा होने वाला पति था साला यहाँ पे, वो जो सुनते ये कहता है भाई दोनों सेंग भाई यहाँ पे कमी नहीं है, दोनों भाई यहाँ पे ये सब जुड़े हुए हैं। सामने सुनकर यहाँ पे प्लान था कि जो सबसे पहले ना वो जो प्लान ब्लॉसम गैंग का चौथे नंबर का मेंबर था वो यहाँ पे जाएगा सुयंग किडनैप करके भाई तुम्हारे पास यहाँ पर लेके आ जाएगा। जैसे उसने यहाँ पे किया तो उसको किडनैप करके लेकर आ गया। उसके बाद से जाकर वो सेंग जाके पूरे मतलब सबको बताया कि यहाँ पे जो सुयंग है ना तुम्हारी जॉइंट वेल के साथ मिली हुई है, तुमने मिलकर यहाँ पे इलीगल बिजनेस करते हो। और सुयंग भाई सामने से दमा दे चू फैमिली का, जिससे भाई चू फैमिली का पूरा नाम खराब हो जाएगा। एंड में चल के जो चू फैमिली है भाई बर्बाद मतलब बर्बाद। वांग फैमिली भाई पहले से वीक फैमिली थी, तुम्हारी जेंग फैमिली भाई ऐसा होगा उसके वजह से तुम्हारी जेंग फैमिली भाई यहाँ पे वीक हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी एंड में वो भी बर्बाद। तो एंड में बचे खाली सेंग फैमिली, और सेंग फैमिली यहाँ पे करेगी राज। मतलब क्यों भाई कैसा लगा, मजा आ गया? तो वो सब तो यहाँ पे बर्बाद कोई अमल होगा। लेकिन रही बात तेरा, तो सामने से जो तेरा होने वाला पति भाई वो कितना मतलब है भाई कमाल का लौंडा, उसकी तो होने वाली यहाँ पे बीबी थी लेकिन सामने से उसने भाई हमारे हवाले तुझे कर दिया, क्या तुझे जो इसके साथ करना है जाके आराम से कर ले, तो इतना अच्छा मौका भी हम अपने हाथ से यहाँ पे काय को जाने देंगे, तो चल भाई हम भी तेरे साथ मजे करेंगे। पीछे से सेकंड लीडर कहता है हाँ भाई सबको मालूम है कि तेरा होने वाला पति मिस्टर सेंग भाई चूयान को पसंद करता ना कि तुझे पसंद करता है, वो तो बस खाली नाम का शादी तेरे साथ यहाँ पे करने वाला था। तो भाई आए उससे पहले हम तेरे साथ स्वागत मनाएंगे। उसके बाद से शीन शिव होता है यहाँ पे चू फिल्म घर पे, जहाँ पे जो सेंग होंग था भाई पीले बाल वाला बुढ़ाऊ वो आके बताता है कि हाँ तुम्हारा दमादी सारा भाई जॉइंट वेल गैंग के साथ मिला हुआ है। जो सुनते ससू जी कहते ना भाई हमारा दमादी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कभी भी लीगल बिजनेस यहाँ पे कर नहीं सकता उनके साथ मिलकर नमक का। जो सुनते सामने से सेंग होंग बोलता है अच्छा तुम्हें एक की नहीं हो रहा भाई, तुम्हें क्या लगता है बिना सबूत का मैं कुछ बोलूंगा, मेरे साथ चलो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे सबूत देता हूँ। सामने से सासू माँ भी कहती है मुझे लगा था दमाद आगे चले कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा लेकिन भाई सारा इतना नीचे गिर जाएगा, मेरे ख्याल से मैंने वाक्य में ऐसा सोच नहीं था लेकिन यार इतना भी गिरा हुआ दमाद तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ससुर भी कहते हैं भाई इतना नहीं होगा भाई, एक बार जाकर चेक कर लेते भाई पक्का कुछ ना कुछ तुम्हें गड़बड़ आएगा। सामने से अभी चुया ने बोल दिया जुया ने ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकता। सासू माँ कहती तुम्हें वाक्य में इतना ज़्यादा भरोसा है? ये कहती हाँ मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे वाक्य में उस पर विश्वास है, एक नंबर का ठहर की हरामी लौंडा है, खाली दूसरी औरतों के पीछे भाई ध्यान रहता है लेकिन सामने से भी कोई ऐसा भी काम कर सकता है ये बात मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। ये जो सेंग होंगे ना भाई मिलकर पूरा फंसवाने का पे उसको कोशिश कर रहा है, रियलिटी में ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।